वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आज हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग ए यूनिट सेल डेफिनेशन है द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑकुपाइड बाय द पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल पैकिंग एफिशिएंसी तो एक यूनिट सेल के अंदर एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने परसेंट स्पेस जो है आक्यूपाई की है पार्टिकल्स ने पार्टिकल जो पैक्ड होंगे यूनिट सेल के अंदर एटम मालिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं उन्होंने कितनी जगह जो कवर की है एक यूनिट सेल के अंदर वो होगी पैकिंग एफिशिएंसी कितने परसेंट स्पेस जो कवर की है पार्टिकल्स ने वो होती है पैक, पैकिंग एफिशिएंसी तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल और रैंक ऑफ यूनिट सेल डिनोट किया था जेड से तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आया था हमें रैंक जो आया था जेड इज इक्वल टू वन इसका मतलब ये था एक पार्टिकल पैक है पर यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल पैक हैं एक तो so एक्चुअल में जो हमें यूनिट सेल में यहाँ पे दिख रहा है आठ पार्टिकल्स हैं कॉर्नर पे तो हमने देखना इन आठ पार्टिकल्स का कितना हिस्सा जो है कितना पार्ट जो है इन साइड द क्यूब आ रहा है ये क्यूबिक यूनिट सेल है इसके अंदर कितना पोर्शन है और बाकी वाला तो बाहर वाला काउंट नहीं करेंगे हम तो आठ पार्टिकल्स हैं इनका जो पोर्शन जो है टोटल मिला के एक पार्टिकल के बराबर जो है वॉल्यूम जो है अंदर है बाकी आउटसाइड दिस यूनिट सेल है तो यूनिट सेल जब एक क्रिस्टल लैटिस में होता है एक सॉलिड में होता है तो पार्टिकल जो होते हैं वो शेयर्ड होते हैं तो इस यूनिट सेल का जो हिस्सा आता है पार्ट आता है वो वन पार्टिकल रहता है सिर्फ मतलब इस यूनिट सेल के अंदर जो है सिर्फ एक पार्टिकल के बराबर स्पेस कवर की है तो एक्चुअल में ये जो पार्टिकल हमने कार्नर पे शो किए हैं ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए है एक्चुअल में ये सारे पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं टचिंग होते हैं तो उनको मैं ड्रा करता हूँ कैसे हो गए फ्रंट के फोर पार्टिकल्स ये चार पार्टिकल्स जो हैं इन्होंने कितनी स्पेस ऑक्योपाई की है तो ये फ्रंट के फोर पार्टिकल जो मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है टच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ बीच में स्पेस बच रही है तो इसी तरह से बैक के पार्टिकल्स को भी दिखाऊंगा मैं ये बैक के पार्टिकल है टच करते हैं इसी तरह से फ्रंट के पार्टिकल्स हैं इस तरह से ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है सॉलिड में पार्टिकल इस तरह से पैक होते हैं लेकिन ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए हमने शो किया होता है कार्नर पे छोटे छोटे स्पेयर ड्रा करके तो ये स्पेयर जो है इनके अंदर में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है सिर्फ स्फेयर के पोर्शन में वो निकालनी है तो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक्चुअल में कितने स्फेयर होते हैं कितना पोर्शन होता है एक स्फेयर के बराबर एक पार्टिकल के बराबर स्फेयर को हम कंसिडर कर रहे हैं एक पार्टिकल के बराबर तो पैकिंग एफिशंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये कैलकुलेट करेंगे तो पहले फार्मूला क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला क्या बनता है पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम एक्ुपाइड बाय द स्फेयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल एक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है उसे डिवाइड करेंगे जितना वॉल्यूम जो है स्फेयर ने ऑक्युपाई किया होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से तो परसेंटेज निकल जाएगी तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है क्या होता है वॉल्यूम आकुपाइड बाय द स्फीयर्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू हंड्रेड ये फार्मूला है पैकिंग एफिशिएंसी का यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर तो मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू होता है जेड जो है रैंक ऑफ यूनिट्स किसके बराबर माना हमने पार्टिकल को स्फेयर माना हुआ है पार्टिकल क्या होंगे स्फेरिकली होंगे ये माना हमने लेट किया है तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है क्या होगी इज इक्वल टू जेड इन फोर बाई थ्री आई आर क्यू जेड क्यों क्या हमने मल्टीप्लाई क्योंकि जो स्फेयर का है हमने वॉल्यूम लिया है वो लिया फोर बाई थ्री तो कितने पार्टिकल पैक होंगे पर यूनिट सेल तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा Z से रैंक से तो एक पार्टिकल होगा तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे दो होंगे तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे तीन होंगे तीन से मल्टीप्लाई करेंगे उससे हमें पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम जो है स्फेयर ने आकुपाई किया है कितने स्फेयर्स हैं और कितना वॉल्यूम स्फेयर ने आकुपाई किया है तो उसको डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम जो होगा उससे डिवाइड करेंगे हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगी एक यूनिट सेल में फेयर ने कितनी जगह कवर की है टोटल स्पेस से तो ये फार्मूला बना इसका पैकिंग एफिशिएंसी का कैलकुलेट करते हैं पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को लेके फॉर एसएससी एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जेड इजिकल टू वन जी अभी देखा हमने पीछे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था तो एक क्यूबी यूनिट सेल में आठ पार्टिकल होते हैं और सारे के सारे कार्नर पे होते हैं मैंने एक फेस को लिया है पार्टिकल का यहाँ पे डायग्राम में देखें आप एक फेस को लिया है इसके फ्रंट फोर पार्टिकल्स शो किए हैं स्फेयर बना के एक्चुअल में जो होता है अरेंजमेंट ऐसे ही होता है टच करते हैं स्फेयर एक दूसरे को पार्टिकल टच करते हैं तो यूनिट का सेल का एक फेस लिया हुआ है तो ये टच कर रहे हैं स्फेयर टच कर रहे हैं तो एक यूनिट सेल की जो एज जो होता है एज लेंथ यहाँ पे लिखा हुआ मैंने एज लेंथ इक्वल टू ए। एज लेंथ को हम डिनोट करते हैं ए से तो ये जो एज हैं कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है एक एज है स्फेयर का सॉरी एक यूनिट सेल का उसको उसकी लेंथ कितनी होगी ए एज लेंथ ए तो इसमें एज लेंथ ए के बराबर पुट की है और इस का रेडियस यहाँ पे देखें ये स्फेयर है इस के सेंटर से रेडियस बना रहा हूँ मैं तो यहाँ पे आर से डिनोट किया है मैंने एक रेडियस इस फेयर का और इस फेयर का दूसरा ये दूसरा आर दो रेडियस तो एक्चुअल में अगर हम इस लाइन को पूरा ड्रा करें यहाँ से यहाँ तो ये यह टोटल कितने हुए चार आर एक दो तीन और चार चार रेडियस आ रहे हैं क्योंकि तो दो स्फेयर हैं तो स्फेयर में सेंटर से डिस्टेंस जो होता है सर तक वो होगा रेडियस ऑफ दैट स्फेयर आर सर्कल तो इस एज पे इस एज को मैं देखता हूँ इस एज पे जो डिस्टेंस है ए के बराबर उसमें कितने आर आ रहे हैं दो दो रेडियस आ रहे हैं तो यहाँ पे एज लेंथ देखें एज लेंथ डिनोटेड बाय ए मींस एज लेंथ की जो डिस्टेंस है वो कितना है एज लेंथ कितना है ए है तो ए जो है कितने के बराबर होता है दो आर के बराबर टू आर यहाँ डाइग्राम से समझो दोबारा से बताता हूँ ए जो है यूनिट लेंथ है यूनिट सेल की लेंथ है एज लेंथ है और ये रेडियस है दो दोफेयर के आर तो एक ए जो है दो आर के बराबर हुआ एक एज लेंथ जो है दो आर के दो रेडियस के बराबर हुई वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल ये हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है साइड का क्यूब एक क्यूब जो है जिसकी आर साइड्स बराबर हों ऑल साइड इक्वल हूँ तो उसका जो फार्मूला आता है वॉल्यूम का साइड क्यूब तो यहाँ पे साइड जो है एज लिया हमने एज माना है और एज की लेंथ कितनी है ए तो साइड क्या होगी ए साइड का क्यू इज इक्वल टू ए का क्यू इसे हम लिख सकते हैं और ए इज इक्वल टू टू आर यहाँ पर हमने फार्मूले से भी देखा और डायग्राम से भी देखा जितना है ए जो है ए डिस्टेंस में कितने दो आर आर है तो ए की जगह हम टू आर लिख सकते हैं टू आर क्यू टू आर क्यू इज इक्वल टू टू काू कितना आता है टू इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू एट और आर का क्यू एट आर क्यू तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम मिल गया वॉल्यूम ऑफ क्यू क्यूबिक यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल तो हमें क्या दो पैरामीटर मिल गए एक z मिल गया एक वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल जो कि एट आर क्यूब है तो फार्मूला देखते हैं फार्मूले में क्या चाहिए हमें पैकिंग एफिशिएंसी में जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो हमें z भी मिल गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पुट करते हैं इस फार्मूले में पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक की यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड जो है वन है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब एक स्फेयर का वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है एट आर क्यूब जो अभी हमने कैलकुलेट किया इन टू हंड्रेड तो ये बना फार्मूला जब हमने वैल्यू पुट की तो इसमें डिनोमिनेटर में भी आ रहा है न्यूमरेटर में भी आ रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इसको सिंपलीफाई करते हैं पहले वन से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज आएगा फोर अपन थ्री पाई आर क्यू अपन एट आर क्यू 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 कैंसल आर क्यू आर क्यू कैंसल बचा फोर बाई थ्री अपन एट इसको कैसे सिंपलीफाई करते हैं फोर बाई थ्री इंटू एट फोर बाई थ्री एट जो है एट के नीचे और न्यूमरेटर लेंगे और इस पूरी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे मीन्स इन्वर्ट करेंगे वन बाई एट इस तरह से हम इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं ये जहाँ पे मैंने लिखा हुआ ये portion, यहां है ये पोर्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा तो यहाँ पे क्या है एट फोर फोर वन सा फोर फोर टू सा एट यहाँ पे वन बचा वन 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 ही होगा और थ्री फोर टू सा थ्री टू सा सिक्स तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे क्या बचा सिर्फ पाई बचा पाई के साथ वन पाई अपान सिक्स अब क्या बचा पाई अपान सिक्स इंटू हंड्रेड यहाँ पे मैंने हंड्रेड नहीं लिखा है इसको आप निगलेक्ट करो यहाँ पे मैंने बता दिया कैसे किया है तो पाई बचा यहाँ पे और पाई अपान सिक्स इंटू हंड्रेड पाई की वैल्यू होती है थ्री पॉइंट वन फोर ट्वेंटी टू अपान सेवन आता है वैल्यू जो होती है पाई की ट्वेंटी टू अपॉन सेवन और ये कितना आता है थ्री पॉइंट वन फोर इंटू हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड डिवाइडेड बाई सिक्स ये मल्टीप्लाई किया पहले थ्री हंड्रेड फोर्टीन डिवाइडेड बाई सिक्स इसको सॉल्व uh, करते हैं तो आता हमारा आंसर फिफ्टी टू पॉइंट थ्री थ्री परसेंट इसको डिवाइड करेंगे थ्री हंड्रेड फोर्टीन को डिवाइड करेंगे हम सिक्स से तो ये आंसर आता है फिफ्टी टू पॉइंट थ्री थ्री विच इज अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेटलीक्ल टू फिफ्टी टू पॉइंट फोर परसेंट तो ये आई पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ पे मैंने लिखा है देर फोर पैकिंग एफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू फिफ्टी टू पॉइंट फोर परसेंट

एटम्स ने या पार्टिकल्स ने जो जगह कवर की है वो की है फिफ़्टी टू पॉइंट फोर परसेंट और वेकेंट खाली कितनी है फोर्टी सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट आउट ऑफ हंड्रेड परसेंट एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक क्यूब को कंसीडर करेंगे तो इसमें जो पार्टिकल्स ने जगह कवर की है वो कितनी निकली फिफ्टी टू पॉइंट फोर परसेंट ये है पैकिंग एफिशिएंसी आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल थैंक यू नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी और फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की थैंक यू